शिल्पा शिरोडकर अपने जमाने की बॉलीवुड सेंसेशनल क्वीन भी मानी जाती हैं। 90s के दशक में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाया है और आपको बता दें कि इस वक्त वो बिग बॉस 18 का हिस्सा भी हैं। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री से काफी लंबे वक्त से गायब थीं और इस शो के जरिए उन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया है। दरअसल आपको बता दें कि शिल्पा शिरोडकर को उनकी बेटी ने इस शो में जाने के लिए मोटिवेट किया था। अब इस बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें वो करणवीर मेहरा से अपनी बिग बॉस 18 में आने के लिए फीस पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। उनकी फीस जानने के बाद फैंस भी हैरान हो गए हैं। वीडियो में शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं। शिल्पा करणवीर मेहरा से पूछती है कि 7 हफ्ते हो चुके हैं और 8वां हफ्ता शुरू होने वाला है, तो करणवीर मेहरा पटाक से बोलते हैं कि आपने तो अब तक 1,40,00,000 रुपए बना लिए होंगे। इस पर शिल्पा ने करण को चुप रहने के लिए कहा। हालांकि आपको बता दें, शिल्पा शिरोडकर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस पर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि शिल्पा को इतनी फीस आखिर क्यों दी जा रही है। एक यूजर ने लिखा, विवियन की इमेजिन करो कितनी होगी। वहीं एक यूजर ने लिखा, इतना तो पका रही है, इनको 20,00,000 रुपए वीक मिल रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कब इनको 20 मिले हैं तो रजत को कितने मिले होंगे। एक और यूजर ने लिखा, जलनवीर के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, इनको इतने पैसे मिल रहे हैं फिर विवियन डिसेना ने तो सही से लूटा होगा। एक और यूजर ने लिखा, फेक है भाई, करण मजे ले रहे हैं, शिल्पा को 2.5 लाख मिल रहे हैं पर वीक। हाईएस्ट पेड इज विवियन 5 लाख पर वीक, बाकी सभी लाइक ईशा, विनाश, एलिस 1.5 लाख हैं। शिल्पा शिरोडकर के करियर की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने खुदा गवाह जैसे बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 90s के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा देने के बाद में उन्होंने शादी कर ली थी और इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कमबैक के लिए कई लोगों से काम भी मांगा लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।